हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल मापारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट एग्जाम। क्वेश्चन आस्क इन जून 2017। क्वेश्चन इज ऑफ सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन इज कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू जेड अपॉन साइन पाई जेड, देन एफ हैज पोल्स एट, ऑप्शन ए इज ऑल इंटीजर्स, ऑप्शन बी इज ऑल इवन इंटीजर्स, ऑप्शन सी इज ऑल ऑड इंटीजर्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1 वेयर के इज इंटीजर। सो क्वेश्चन में सिंगुलर पॉइंट का क्वेश्चन है पोल पे, लेकिन पोल किस पॉइंट पे है वही पूछा है। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन आपको सी पार्ट में पूछ रहे हैं और वो भी लेटेस्ट जून 2017 में, तो डिस्कस करना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं लेकिन सिली मिस्टेक हो सकती है। ओके, सो देखेंगे फंक्शन दिया है और सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं और वही चेक करना है फिर ऑप्शन, राइट। सो पहले तो सिंगुलर पॉइंट क्या है वो तो देख लेंगे। सो एफ ऑफ जेड इज साइन पाई बाई टू जेड अपॉन साइन पाई जेड। अभी देखिए डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो होगा वही फंक्शन को प्रॉब्लम देगा, मतलब वही सिंगुलर पॉइंट होने वाला है, राइट। सो जीरो पे तो प्रॉब्लम है, दिख रहा है यहाँ पे, राइट, जीरो पे। लेकिन यहाँ पे पोल पूछा है जीरो पे, शायद कोई और सिंगुलैरिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो पहले जीरो पे चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, जीरो पे चेक कर लेते हैं लिमिट, क्योंकि जीरो डिनोमिनेटर का भी जीरो है और न्यूमरेटर का भी जीरो है, इसीलिए वो कैंसिल भी हो सकता है। सो वही प्रिडिक्शन से जाएंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज साइन पाई बाई टू जेड अपॉन साइन पाई जेड। सो ए जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगा, राइट, इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ये क्या है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, राइट। सो एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा। सो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, सो पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू जेड अपॉन पाई कॉस पाई जेड। इसका लिमिट क्या आएगा, देखिए कॉस है और कॉस को जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कॉस जीरो हो जाएगा तो वन, कॉस जीरो हो जाएगा तो वन, पाई बाई टू बाई पाई, सो पाई पाई गेट कैंसिल एंड वी गेट वन बाई टू, वी गेट वन बाई टू। सो लिमिट एट जीरो ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। लेकिन हमें क्वेश्चन किस पे किया है, पोल पे, तो रिमूवेबल तो नहीं बताना है, सिर्फ पोल बताना है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, क्वेश्चन है सी पार्ट का, सो जितना इंपॉर्टेंस सिलेक्शन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस डिस्कार्ड करने के लिए भी है। सो क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या, ऑल इंटीजर, जीरो इज द इंटीजर, जीरो इज द इंटीजर, और इसने ऑल इंटीजर पे पोल कहाँ पे है, तो ऑल इंटीजर पे है क्या, नहीं है, क्योंकि जीरो निकल गया यहाँ पे, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन भी नहीं दिया कि जीरो की कुछ, सो ऑल इंटीजर बोला, ये तो इजीली डिस्कार्ड हो गया। ओके, ऑप्शन बी है ऑल इवन इंटीजर्स, चलिए एक बार फिर से हम इवन इंटीजर का भी देख लेते हैं एक बार, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर वो भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो जीरो का क्लियर हो गया, ये रिमूवेबल बन गया, राइट। मैं यहाँ पे देखता हूँ इवन इंटीजर्स, तो एक कोई भी नंबर ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑल इवन इंटीजर बोला है, अगर एक के लिए नहीं हुआ तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सो मैं टू के लिए ले लेता हूँ सिंपली, लिमिट जेड टेंस टू टू साइन पाई बाई टू जेड अपॉन साइन पाई जेड। सो लिमिट जेड टेंस टू टू इज वॉट, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आएगा, सॉरी, ओके ओके ओके, सी हियर फॉर इवन इंटीजर साइन पाई बाई टू, ये हो जाएगा साइन पाई सो जीरो और ये भी जीरो, ओके जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, नो डाउट। सो लिमिट जेड टेंस टू टू, जेड टेंस टू टू जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, सो यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर से, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू जेड अपॉन पाई कॉस पाई जेड, लिमिट जेड टेंस टू टू, सो यहाँ पे क्या होगा कॉस पाई, राइट, लिमिट जेड टेंस टू टू, सो कॉस पाई इज माइनस वन और यहाँ पे कॉस टू पाई सो प्लस वन, सो व्हाट वी गेट इक्वल्स टू पाई बाई टू बाई पाई
और यहाँ पे माइनस वन आएगा और यहाँ पे वन आएगा. सो ये मिला हमें पाई पाई गेट कैंसल एंड वी गेट माइनस वन बाय टू. राइट, माइनस वन बाय टू. सो बराबर है, आप देख लीजिए. मुझे तो एग्जिस्ट नॉन जीरो एग्जिस्ट और फाइनाइट चाहिए. ओके, सो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट होगा इवन इंटीजर पे. सो यहाँ पे पोल तो नहीं बनेगा, पोल के लिए तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता, वो इन्फिनिटी आ जाता था. सो ऑप्शन बी भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं इजीली. ओके, नाउ ऑड इंटीजर. और देखिए ये दो ऑप्शन थोड़े से सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे भी ऑड है और यहाँ पे भी ऑड है. सो ऑल ऑड इंटीजर एंड ऑल इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म दिस, ये भी ऑड ही आएंगे, ये भी ऑड इंटीजर आएंगे लेकिन वो एक अलग फॉर्म के. सो इवन का क्लियर हो गया, इवन पे तो कुछ नहीं मिला. राइट, सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. नाउ ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे और साथ में ही अब देखिए एक मतलब अगर आपको टाइम बचाना है आपका तो ये दो ऑप्शन रिलेट कर लीजिए. पहले ये क्या आएगा, 4k प्लस 1 इंटीजर, ऑड इंटीजर ही आएगा और यहाँ पे भी ऑड इंटीजर बोला. k इंटीजर से दिया है तो अगर k इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे z इक्वल टू क्या मिलेगा, 1. यहाँ पे k इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 और ये 1 तो ऑड इंटीजर भी है. राइट, सो मैं पहले 1 पे चेक करता हूँ, 1 पे, और फिर उसके बाद एक और एक ऑड इंटीजर पे चेक करता हूँ. मतलब वहाँ दोनों पॉइंट पे अगर हो गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इतनी मेहनत तो आपको लेना ही है क्योंकि क्वेश्चन सी पार्ट का है. राइट, सो लिमिट z टेंस टू 1 ऑफ साइन पाई बाई 2 z अपॉन साइन पाई z. सो क्या मिलेगा, लिमिट z टेंस टू 1, ऑब्वियसली ये तो एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 पाई बाई 2 इज 1 एंड साइन पाई इज 0. सो यहाँ पे एग्जिस्ट होने वाला नहीं तो मुझे ये पोल पूछा है तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा पोल है कि नहीं. लेकिन पोल के लिए क्या चेक करते हैं हम, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1, ये रहेगी उसकी ऑर्डर. राइट, सो पहले 1 के लिए मैं चेक करता हूँ तो अभी तो हो गया 0 अपन 0 फॉर्म. लिमिट z टेंस टू 1 साइन पाई 0 और यहाँ पे भी ये भी 0. सो दिस इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 1, इसको मैं सिंपल इसमें कर लेता हूँ पहले क्योंकि प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज़ होगा, या फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ. आप अगर ये देखेंगे तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 0.0 फॉर्म है तो डेरिविटिव ऑफ सेकंड साइन पाई बाई 2 जेड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिविटिव ऑफ दिस इज़ 1. सो यही फंक्शन मिलेगा सिर्फ पाई बाई 2 जेड अपॉन इसका डेरिवेटिव. सो पाई सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज कॉस. राइट, और इसका डेरिवेटिव पाई कॉस पाई जेड. लिमिट जेड टेंस टू 1 करके देखिए, ये टर्म हो जाएगी 0. राइट, और वो टर्म हो जाएगी 1, ये टर्म हो जाएगी फिर से माइनस 1, सो माइनस पाई. सो दिस वी गेट 1 बाय माइनस पाई. ओके, आप चेक कर लीजिए एक बार. सो 1 बाय माइनस पाई, सो लिमिट एग्जिस्ट हो गया, फाइनाइट है ही और नॉन जीरो भी है जो कि पोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है. नॉन जीरो रिमूवेबल के लिए नहीं लेकिन पोल के लिए एग्जिस्ट भी होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए और नॉन जीरो भी होना चाहिए ये लिमिट. अगर ये जीरो आता तो पोल के लिए नहीं वैलिड होगा. राइट, सो नॉन जीरो ये तो हो गया 1 पे. अगर 1 पे हो गया मतलब यहाँ से इस फॉर्म का नंबर है 1 क्योंकि k इक्वल टू 0 1 मिल रहा, तो ये ऑप्शन तो मिल गया हमें क्योंकि 1 इस फॉर्म का इंटीजर है. राइट, अभी ऑल ऑड इंटीजर बोला तो 1 के लिए हुआ, बाकी सारे इंटीजर के लिए होता कि नहीं. सो यहाँ इस फॉर्म में जो भी नंबर नहीं आएगा ना, ऑड इंटीजर जो भी नहीं आएगा वो नंबर लीजिए. क्या इसमें 3 आएगा इस फॉर्म में, के आप इंटीजर से कुछ भी ले लीजिए, 0 लिया तो 1, 1 लिया तो 5, 2 लिया तो वो 9 हो जाएगा, माइनस भी लिया तो भी 3 आने वाला नहीं. तो इस पे मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर इस पे ये हो गया तो ऑल ऑड इंटीजर हम बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 इस फॉर्म का नंबर नहीं है, 1 इस फॉर्म का नंबर था इसलिए ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने. ओके, सो मैं फिर से वही प्रोसेस करता हूँ एक बार, 3 जेड माइनस 3 ये फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे 3 आप समझ लीजिए इसका लिमिट एग्जिस्ट करना है सिर्फ हमें, और ऑर्डर जो भी है मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो बाद में दूसरी चेक करेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन 0.0 फॉर्म है, साइन 3 पाई 0 और यहाँ पे भी 0. सो फिर से वही एल हॉस्पिटल रूल.
So first function as it is derivative of secant plus second function as it is derivative of this again 1 upon pi cos pi z. Okay. So limit z tends to 3. Clear? Now what we get? This term is 0 because here 0. This is 3 pi by 2 or sine 3 pi by 2 kya hota hai? Pi by 2 1 hoga, to 3 pi by 2 minus 1 hoga. So minus 1 upon. Ye kya hoga? 3 pi matlab minus 1. Cos 3 pi is minus 1. Aur yahan pe pi hai. So yahan pe mila hame 1 by pi. So exist finite non zero. So ye bhi pole ban gaye, uske order 1. पहले z equals to 1 भी पोल था जिसके ऑर्डर 1 मिली, z equals to 3 भी पोल ही है क्योंकि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट नॉन जीरो हो गया, राइट? वैसे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं रहता, पोल सिंगुलैरिटी पे फंक्शन का लिमिट इनफिनिटी रहता, लेकिन ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर एग्जिस्ट हुआ तो, अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं हुआ ना कुछ भी, कोई भी m एग्जिस्ट नहीं हुआ तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाती, सो रिमूवेबल पोल एसेंशियल. सो 3 इस फॉर्म का नंबर नहीं है लेकिन ऑड नंबर है, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. For all odd integers. So option C and D is correct for this question. So question बहुत simple है, singularity पे बहुत सारे question मैंने discuss किया है अब तक. So आप जरूर वो videos भी देख लीजिए, end screen पे आपको उसके link मिल जाएगी. So लेकिन ये question C part का था इसलिए मुझे वो important लगा. So thank you for watching, और अगर आपको ये video पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं तो channel को subscribe करना ना भूले. Thank you.